सुंबुल तौकीर खान और फमान खान अब लगता है देखिए आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं अपनी दोस्ती को भुलाकर, आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट हो रहे हैं। फमान खान की नई बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं और वो किसी और को ही अब अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, और जहां सुंबुल पूरी तरह से फमान के सवालों को ही नहीं बल्कि फमान को ही पूरी तरह से इग्नोर कर रही हैं। देखिए पूरी खबर क्या है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल पूरा मामला क्या है आप इस खबर में आप देखिए। देखिए सुंबुल और फमान का एंटरटेनमेंट की रात का एक एपिसोड आने वाला है, आप सब लोग जानते हैं, जिसमें फमान और सुंबुल ने दोनों ने शूट किया है। अब दोनों को ही प्रमोट कर रहे हैं फमान और सुंबुल अपने अपने इंस्टाग्राम पर, अपने अपने सोशल मीडिया पर, जहां सुंबुल आज अभी सुंबुल ने एक व्लॉग रिलीज़ किया है जिसमें एंटरटेनमेंट की रात के जितने भी उनके शूटिंग था उसके बिहाइंड द सीन्स उन्होंने उस व्लॉग में डाले हैं, तो आप जाकर देख सकते हो सुंबुल के चैनल पर। वो सभी जो उस वीडियो में जितने भी शूट है या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उपलब्ध हैं वहाँ पर, अवेलेबल हैं। अब सुंबुल ने जब इसको शेयर किया एक दिन पहले यानी कि कल, तो उन्होंने थंबनेल में शिव ठाकरे को लगाया, उन्होंने थंबनेल में अब्दुल रोजिक को लगाया, लेकिन थंबनेल में फमान खान कहीं नहीं थे, जबकि एपिसोड में फमान साथ ही थे सुंबुल के, और इन सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती भी की थी। वहीं अगर फमान खान की मैं बात करूं तो फमान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एंटरटेनमेंट की रात के ही एक छोटा सा चंक जो है उन्होंने एक छोटे से कुछ सेकंड्स का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन किसके साथ, भारती के साथ, मतलब भारती लिम्बाचिया के साथ उन्होंने डाला, लेकिन उसमें उन्होंने भारती को अपनी बेस्ट फ्रेंड कहा है। देखिए उस चंक में भी सुंबुल कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई, सुंबुल का नाम नज़र नहीं आया, तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अब नाम भी उनका एक दूसरे का सुनना वो पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सुंबुल ने इवेंट में कह ही दिया था कि उनको जितना क्लैरिफिकेशन देना था इस पूरे मैटर पर उन्होंने दे दिया है, अब उन्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, मतलब एज सुमान फैंस तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बुरी खबर है और बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ये सुनने के बाद, लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है और क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दें। साथ ही एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।